बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कुक बुक में चबाते हैं मोर। एंड टुडे आई एम मेकिंग किड्स फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज़, जो कि बहुत ही आसानी से हम बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ अ कप ऑफ ब्राउन शुगर एंड हाफ अ कप ऑफ रेगुलर वाइट शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट एंड हाफ अ कप ऑफ मेल्टेड बटर। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। अंडा आपने लार्ज साइज का लेना है और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 1/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा, 1 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। एंड देन मिक्स इट अगेन। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और ये देखिए इस तरह से ये डो की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ आई विल एड हाफ अ कप ऑफ डार्क चॉकलेट चिप्स एंड हाफ अ कप ऑफ चॉकलेट चंक्स। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इस डो को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये देखें 1 घंटे के बाद हमारी जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अब हम इससे बॉल्स बनाएंगे। बहुत रफली से आपने बॉल्स बनाने हैं कुकीज़ बनाने के लिए। इस तरह से, और इनको हम एक बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। इसके ऊपर आपने एक बेकिंग पेपर रखना है और इन बॉल्स को आपने डिस्टेंस से रखते जाना है। अब हम इनको बेक करेंगे और इसके लिए हम एक पैन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। पैन हमारा प्री हीट हो गया है। अब हम इसमें बेकिंग ट्रे रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, या उतने टाइम के लिए जिसमें आपके कुकीज़ अच्छी तरह से बेक हो जाए। आपने इनको इतना बेक करना है कि इनके एजेस पर लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए। और ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारे जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एजेस पर लाइट सा कलर आ गया है। आपने इनको 10 से 15 मिनट के लिए इसी ट्रे पर छोड़ना है और उसके बाद आपने इनको निकाल कर वायर रैक पर रख देना है। और ये हमारे कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम ठंडे ठंडे दूध के साथ सर्व करेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा, बहुत ही यमी बनते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।